जिस समय अपना ने वो लोग जो हमसे मैनेज करके वो सिपाही वन विभाग का वो पवन नाम का उन महीना हमसे लेता था पैसा और उन्हें ने हम ही को मशीन को खुला हुआ को उठवा तो क्या हुआ हम लोग के साथ यही हुआ हम लोग काम कर रहे थे आप हम लोग अभी बुला कर लाया उस पानी के हौज में हमको जबरदस्ती घुसवाया है चक्की रखे हुए है इसमें जिसमें खोजो हम कहे जो 10 फीट गहरा है इसमें हम डूबिए जाएंगे तो ये जबरदस्ती घुसाया इसमें क्यों ऐसा किया किसका आदेश था क्यों ऐसा किया गया या फिर ये पदाधिकारी जो आपके हैं जो इस क्षेत्र में ऐसा आज किए हैं वो किसी और के अंडर कंट्रोल में रिमोट कोई और कंट्रोल कर रहा है या फिर पदाधिकारी आपे से बाहर है यानी खुद का सेंस लगाना भूल गए हैं खुद को नियम अनुसार चलना और चलाना भूल गए हैं और सिस्टम को नहीं जानते हैं शायद ये सारी बात ये सारा सवाल खड़ा होता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ अगर ये आरोप लगता है तो भी इस पर जांच होना चाहिए क्योंकि ये जांच का सच में विषय है। देखिए किस तरह से तहस नहस किया गया ये स्थिति देखिए आप ये जो जहां काम होता था उस स्थल का मामला है ये देखिए किस तरह से देखना शुरू कर चुके हैं पहली खबर सच है तो खबर है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ एक प्रीत व्यक्ति है जो अभी हमारे साथ है इनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या हुआ। टीम पक्की खबर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए स्पेशलिस्ट है और अभी हम लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए ही आए हैं जाले थाना क्षेत्र के धमाद चौक पे एक आरा मशीन एक आरा मिल कह ले जो चलता था यहाँ पर उनके संचालक है ये क्या हुआ इनके साथ और ये जो बिखरा हुआ आप पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं ये देख सकते हैं अच्छे से आप कैमरे में कैद ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वन विभाग के कौन से पदाधिकारी आए थे और क्यों इन सब चीज़ों को नष्ट कर दिया गया है वो कारण जानना चाहेंगे। क्या सब नाम है आपका? हमारा नाम हुआ चुल्हाई ठाकुर उर्फ नागेंद्र सर। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ है जो 2021 में हमारे साथ जो मशीन अवैध हम चला रहे थे उन्होंने हमको सूचना दिया उस मशीन को खोल के चक्का पलेट सब हम रख दिए थे। जिस समय अपना ने वो लोग जो हमसे मैनेज करके वो सिपाही वन विभाग का वो पवन नाम का उन महीना हमसे लेता था पैसा और उन्हें ने हम ही को मशीन को खुला हुआ को उठवा दिया जो वो घटना है 2021 का। अच्छा इसके बाद हमने उस समय भी कहा जे हमारा क्यों भाई अवैध मशीन एक हम ही हैं हमारे जो प्रखंड में 6 से 7 मशीन अवैध चल रहा है उन लोगों को चल जाले में हाँ जाले में। अच्छा जिस जाले में 6 से 7 अवैध मशीन में एगो हम ही आपको दुश्मनी कर रहे हैं उन्होंने कहा तुम ज्यादा हीरो बनता है तुमको हम जेल भेजवा देंगे। तो इस तरह से पवन ने बार बार हमको धमकी देते रहे। कौन है पवन? वो पवन वन विभाग का सिपाही है। कहाँ ड्यूटी कहाँ रहता है? वो जाले प्रखंड का उसका ड्यूटी है। अच्छा जो उन्होंने बार बार हमको यही कहता था जेल भेजवाएंगे इस तरह का हमको धमकी देता था। विशेष करके हम साल भर इंतजार किए जिन्होंने अवैध मशीन और 6-7 में एक हम बंद रहे और अवैध मशीन और चालू था जिसके चालू के दौरान ठीक 1 सप्ताह पहले वो पवन नाम के आदमी फिर आया है हमको कहने जे हमारे प्रति खिलाफ़ जो है कोई ने आवेदन किया है आप आरा मशीन बंद कर दीजिए। हमने इस आरा मशीन को बारे में कहे क्यों हम ही आपको बार बार लगते हैं एक अनरिगल और लोगों ने चला रहा है उनको बंद कहाँ किए आप सब चलेगा हाँ तो इस तरह से हम उनको बात में रखे जो देखिए या तो चले तो सबको अवैध और न तो बंद तो सबको अवैध इस तरह के हम उनको कहें। उन्होंने कहा जो ठीक है एक भी नहीं चलने देंगे। अच्छा अब बिना सोचे जानकारी कह ले उन्होंने हमको वीडियो बना के मशीन के ले गया जिसकी दौरान एक दिन हम उनको यही कहे जे आपने कम से कम अनिर्गल हमारे साथ क्यों खाली कर रहे हैं तो नहीं नहीं हम सबको करेंगे हम कहे नहीं गलत है। इस दौरान हम उनको समझाने के बाद उन्होंने तेईस में बोला इसलिए हम उनको हाथ से मोबाइल ले लिए। हाथ से मोबाइल लेने के बाद फिर वो रास्ता पर आया रास्ता पर आने के बाद वो कहा अभी एक मशीन नहीं चलने देंगे हम कहे नहीं चलने देंगे तो हम भी बंद कर देंगे जी। इस दौरान मोबाइल उनको फिर दे दिए देने के बाद वो बहुत बढ़िया हम लोग के साथ ठंडा चाय वगैरह सब चला और इस चीज़ के मीटिंग बनाया कहा सारे अवैध वाले को बुला लिया और वो बैठक हुआ नर्सरी में। अच्छा नर्सरी ये ब्लॉक के पीछे। अच्छा अच्छा यही मुद्दा रखा गया जे भाई अवैध अगर चलाओ तो सबको चलने दो और नहीं तो बंद। इस मुद्दा पर सब कोई का विचारधारा से हुआ जे ठीक है उन्होंने इस मुद्दा को कह दिन के 2 दिन की मोहलत मांगे 2 दिन का मोहलत में उन्होंने क्या किया
हम तो दो दिन में बंद चला करके बंद कर दिए और मिल वाले चलाइए रहा था। हम इनको फिर कहे जी अवैध मशीन तो आप सबके लिए बंद करने की बात था ना, आप बंद कर दिए थे, बाकी चल रहा था, हम सब चल रहा था जी। जिस समय इनको कहा अच्छा अच्छा हम उनको भी बंद कराएंगे, इस तरह के हमको कहा और बिना जानकारी के आज एकाएक ने वो अपना टीम व्यवस्था बात करके हमको कोई जानकारी नहीं। अच्छा। हमने इस मिल को आज एक सप्ताह पहले बंद करके पन्नी वन्नी लपेट वगैरह कैसे कैसे पन्नी के लपेटे थे ये सब जो है पूरा जी जी पन्नी आपका फटा हुआ साबुत है। अच्छा ये सारी चीजों से आप मशीन बंद करके सील करके रखे हुए थे। हम पन्नी से लपेट के रस्सी से बांध के अभी प्रूफ पे दिखाइए, ये कैमरे में दिखाइए इस तरह से, ये तिरपाल जैसा जो पन्नी के बड़ा बड़ा उन्होंने आया है जिस रूप में, एक अपने आप में लगता था जो डकैती करता है अपने आप में पावरफुल के, उन्होंने जैसे आया कहा नागेंद्र शर्मा कौन है, हम कहे जी सर इधर देखिए बोले जी जी सर हम ही हैं। उसको कहा पकड़ लो इसको, पकड़ के उन्होंने बोला पकड़ने के लिए नागेंद्र शर्मा को। अच्छा कौन है आप? हाँ हाँ हम ही को, हमको जैसे ही कहा पकड़ लो तो 5-6-7 आदमी मिल के हमको बाही वगैरह पकड़ लिया। हम कहे पकड़ते हैं क्या, तो उन्होंने हमको 2-4 ठूसा मारा है जो कि चेन्हा यहाँ पर है। देखिए किस तरह से लाल पूरी तरह से हो चुका है जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। आपके साथ मारपीट भी किया? हाँ, क्या हुआ मारपीट? हमको मारपीट करने के बाद गाड़ी में बंद कर दिया। अच्छा। गाड़ी में बंद करके हमको मोबाइल ले लिया, मोबाइल भी छीन लिया। हाँ मोबाइल भी छीन लिया। अच्छा इसके बाद वो गाड़ी में हम बंद रहे, वो अपना मनमाना जितने मशीन को सब जेसीपी से अपना खोल के, ये नियम कानून होता है जो हम भी जान रहे हैं, जो खुला हुआ बंद मशीन पन्नी से लपटा हुआ में हाथ नहीं लगाया जाता है। ये सरासरी हमारे साथ एक समझिए डकैती किया गया है, दबंगई किया गया। आप पन्नी से लपेटे हुए थे? हाँ हाँ। फिर भी उखाड़ करके उखाड़ के ले गया है जी जी। उनको बहुत जी जी उनको बहुत राइट बनता है, वो हम पर केस कर देते, हमको सील करके वो अपना चले जाते, गेट में ताला मार देते, लेकिन वो तो हमारे साथ दबंगई किया है। ये अपना उनको लग रहा है जो हम कर रहे हैं ये अच्छे कर रहे हैं। अरे भैया अवैध मशीन हम आज से जान रहे हैं, हमारे किस बेस से इस तरह के हरकतित किया है। तो कोई आपको नोटिस या कोई कुछ नहीं? कुछ नहीं। वैसे पदाधिकारी तो पदाधिकारी के पास उतना पावर होता है। हाँ। वो कभी भी और छापा जो होता है या कार्रवाई जो होता है वो कभी बता के नहीं होता है, तो वो शायद यही सोच करके आए होंगे आपके पास। हाँ। लेकिन इस तरह से ये पूरा जेसीबी से पूरा जी जी दिखाइए इस तरह से कैमरे में, आइए इधर आइए। इसके बाद ये सब देखिए किस तरह से जेसीबी से पूरा जो है इनका जो घर गिला दिया गया, ये पूरा पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ये आप तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं, अंदर का भी जो पूरा जो स्थिति है वो आप साफ देख पा रहे हैं, पूरी तरह से बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, जो कि आपको साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। अब ऐसे स्थिति में इनका जो आप बीती है, इनका जो दर्द है, वो तो इनकी जुबान ही आप सुनेंगे। और सवाल और क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ यही, जब वो बंद गाड़ी में बंद कर दिया तो इसके बाद हमको क्या किया, यहाँ से वो ले गया सारा मनमाना अपना घर द्वार सब गिराने के बाद उनको हमारे गाड़ी में बैठा के वो करीबन 3 किलोमीटर के दूरी ले गया। आपको? हाँ जी जी, 3 किलोमीटर के दूरी ले जाके और वो उन्होंने फिर हमको छोड़ा। हम वहाँ से अपना पैदल किसी तरह वहाँ से हम आए हैं। हमको बार बार कहता था ज्यादा बोलोगे तो तुमको हम अंदर कर देंगे, यही हमारे साथ साजिश हो रहा था। आरा मिल के साथ और कुछ ले गया है आरा मिल, तो ये चीजें तो इनके साथ मामला जो था वो तो ये बताया ही, और जो कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बड़ा बड़ा तिलपार अलग अलग जगह पर है और रस्सी बंधा हुआ है जो कि आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और फिर आपके साथ ये सारी सामान को ले गए वो? हाँ ले गया, वो टोटल सामान उठा के ले गया है, जिसमें हमारा वो फर्नीचर का, हम ये डेनमो वगैरह जो लाइन नहीं रहने पर लाइन अपने लिए चलाते हैं, वो भी डेनमो उठा के ले गया। फर्नीचर वाला? जी जी फर्नीचर वाला। तो फर्नीचर के काम को आरा मशीन से क्यों जोड़ दिया गया? जी हम इसमें तो अपना प्लांट दोनों जो चला रहे हैं, तो हम एक साइड में अपना फर्नीचर भी चलाते हैं और ये इस तरह से आरा मशीन भी चलाते थे जी। इस दौरान में फर्नीचर को चाहता था जी इसमें से भी पलंग वगैरह ये सब उठा लो, उन्होंने बोलता था बार बार ये हमारे स्टाफ का। हम तो गाड़ी में बंद कर दिया, हमको हम तो गाड़ी में बंद रहा है। अच्छा ऐसा बोले हैं वो? हाँ हाँ। हमारे और भी लोग हैं जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, उन लोग से पूछ करके जाना चाहेंगे। तो इस तरह का ये 2021 के बाद 2023 में आज आपके साथ ऐसा हुआ है? जी जी। इस तरह का घटना हुआ जी है? क्या नाम बताया था आपने अपना? हम अपना नाम चुल्हाई ठाकुर उर्फ नागेंद्र शर्मा। कौन ऐसा किया है, किसका नाम ले रहे थे आप? हम इसमें नाम क्या पवन का जो है हम बात करेंगे, पवन ही हमारा से जुड़ के महीना लेता था, पवन ही ये काम किया है, चाहे वो जिनके द्वारा ये डील किया हो। अच्छा ये तो हम अपना नहीं जानते हैं, लेकिन पवन राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी ये अपना डील कर रहा है। अच्छा इसमें आपको लगता है राजनीति खेल? हाँ हाँ वही में कोई कमी नहीं।
वो बिना राजनीति के ऐसा कर नहीं सकता। अवैध जैसे कर अवैध का मामला जो है आपने बताया कि चल रहा था तो हमने पहले पैक कर दिया था, पहले पैक कर दिया था, तो वहाँ पे फिर राजनीति कहाँ से आ जाता? राजनीति उन्होंने ऐसा लगा था जो हम नागेंद्र शर्मा को उन्होंने शुरू से बोलता था जो जेल भेजेंगे सामान सब उखरवा देंगे, तो उन्होंने आज ऐसा वो कर लिया। तो ये वन विभाग के एक सिपाही जो कि बता पा रहे हैं, इनके कथन अनुसार, मैं अपनी बातें नहीं इनकी बातें कर रहा हूं, जो इनके साथ बीता और कहते हैं जिसके ऊपर बीतता है वही दर्द सही से समझ पाता है। और कहते हैं कि आप बीती ये बयां कर रहे थे, अपनी बातें बता रहे थे जो आपके सामने आ रहा था, और एक एक सच्चाई ग्राउंड जीरो से इनसे मिल करके इनके सामने आकर के आपके बीच लाने का प्रयास किया हूं कि कदम जो उठाया है यहां पर वन विभाग के पदाधिकारी जो भी आए हों या फिर जाले प्रखंड के जो वन विभाग के सिपाही जिनका नाम ये बार बार ले रहे हैं, मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आप कई बार सुन चुके उनका नाम, अब आखिर उनको ये अधिकार कौन देता है इस तरह से तहस नहस करके किसी को डिस्टर्ब करने का? और साथ ही केवल आरा मिल से जुड़ा हुआ काम ही नहीं बल्कि फर्नीचर का जो काम था उसके बारे में भी बता रहे कि उनको भी क्षति पहुंचाया, यही ना? जी जी, उनको भी क्षति पहुंचा दिया, तो ये कहां तक सही किया है? इस पर मैं वन विभाग के पदाधिकारियों से नहीं आवा, ये हमारे फर्नीचर का जो मिस्त्री है उन लोग के भी पूछता था, ले उनका जमनानंद जी के बोला के तुम लोग काम करता है पैसा देता है कि नहीं, ये बोलिए, ये बड़े अधिकारी के पूछने का ये जवाब है। वन विभाग का ये परमंडल जो भी लोग आए हैं इस तरह के, जो है एक हमारे स्टाफ में छोटा लड़का है उसका भी बांह पर डंडा मारा है, जो बांह का देख लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए, फूला हुआ बांह है। हाँ, वो ये पूछने का ही बताइए, जो लेबर को पूछे स्टाफ को जो पैसा देता है कि नहीं, कितना घटिया आदमी था वो। तो इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें सामने आ रही है खुल करके एक पदाधिकारी के बारे में या एक वन विभाग से जुड़े हुए सिपाही के बारे में, तो क्या इस तरह का होना, इस तरह का करना किसी सिपाही का या किसी पदाधिकारी का, किसी विभागीय लोगों का कितना सही है वो आप कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ऐसे लोगों पर वन विभाग के मंत्री द्वारा, बिहार सरकार द्वारा कार्रवाई किया जा सके, और अगर ये गलत है तो सही तरीके से कार्रवाई किया जा सके, न कि इस तरह से कहते कि किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, इस तरह से। देखिए हमारे मिस्त्री से जरिया था, हमारे मिस्त्री का जो यहाँ से कमाने का, जो इनके परिवार के चलने का चलाने का जो जरिया था उससे तहस नहस किया। अब हमारे मिस्त्री से साथ ही हमारे साथ यहाँ पर बाकी लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे क्या हुआ है आज। वो सारा मिल तो खुल लिया, जो कोई कहता था फर्नीचर उठा के ले जाओ, ऐसा भी हुआ। और हम लोग के फर्नीचर लाइन का क्या उठा कर ले गया, हम लोग के काम भी बंद करा के बैठा दिया है। आप लोग को काम बंद करवा करके बैठा दिया? हाँ, तो आप लोग आरा मिल के काम करते हैं या फर्नीचर है? फर्नीचर, तो आप लोग का कहे बंद करवा? वही तो लाच रहे थे, पैसा अच्छा देता है कि ना, सब सब पैसा देता है, चाहे पैसा देता है कि नहीं देता है, देखिए हमको लिए हमको डेली देता है, नहीं देता है तो ये राजनीति। कौन पूछा आपसे? वही पुलिस साहब, पुलिस जो आया था, पुलिस जो था, वन विभाग के लोग आए थे, वन विभाग के सिपाही आए थे, आप लोग भी यही काम करते हैं? हाँ यही। क्या नाम हुआ? अंजनी ठाकुर। ये बताइए आज जो हुआ है वो आप लोग के साथ क्या हुआ? हम लोग के साथ यही हुआ, हम लोग काम कर रहे थे, आप हम लोग अभी बुला कर लाया उस पानी के हौज में, हमको जबरदस्ती घुसवाया, चक्की रखे हुए है इसमें, जिसमें खोजो, हम कहे जो 10 फीट गहरा है इसमें हम डूबिए जाएंगे, तो ये जबरदस्ती घुसाया इसमें। आपके साथ गाली गलौज कौन कर रहा था? इसे ये पुलिस वाला किया है जो आज आए थे। हाँ, जो आज आया था वन विभाग के पुलिस वाले। हाँ, लोग थे वन विभाग के पुलिस वाले थे। ये आप बीती यहाँ के लोगों के द्वारा आप सुन पा रहे इस तरह से ये सब हुआ है, कितना सही है कितना गलत है वो आप जान सकते हैं। क्या हुआ आज, क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग बत्ती फा रहे थे, वहाँ पर तो हमको मार रहा था कि बत्ती मत। अच्छा, आप लोग के साथ भी गलत है? कौन किया ऐसा गलत? पवन किया है। ये स्थिति है वन विभाग के सिपाही के बारे में बता दबिया भी ले गया, उठा के दबिया काटने वाला था ना बांस। अच्छा, आप बांस उसका काम कर रहे थे? हाँ। फिर भी आपको डिस्टर्ब कर ले गया है, उसका हथियारों ले गया, इसको मारा हमने। क्या हुआ वहाँ पर? हम लोग काम करते जी, आया मोबाइल मांगा छीन लिया, मोबाइल मांगा बजोली ना, तो मोबाइल आपका कहा छीन लिया? वीडियो भी बना रहे थे? हाँ, वीडियो। अच्छा, तो मोबाइल छीन लिया? तो आप मांगे तो क्या किया? वीडियो ने ऐसे ही काले थे, जो भी हो जो भी हो, तो आप मोबाइल निकाले, उनको लगा वीडियो बना रहे, तो आपका मोबाइल छीन लिया, तब आप मांगे तो क्या किया? मांगे तो मार दिया। दिखा दिखा, मारा आपको? दिखाइए कहाँ मारा, दिखाइए। पूरा फुला दिया हुआ, ये देखिए ये स्थिति, ये किस तरह से ये फुला हुआ है, ये कंडीशन, डंडा से मारा है ना? क्या नाम है आपका जी? सतीश कुमार। कौन मारा आपको?
वर्दी में था कोई? हाँ, वर्दी वाला था। अच्छा, तो स्थिति आप देख पा रहे हैं, और खासकर अब तो मैं ये कहने पर मजबूर हो जाऊंगा, और मैं कहूं भी क्यों ना, कि बिहार सरकार के वन विभाग के मंत्री तेज प्रताप जी, कहीं ये आपके पदाधिकारी ऐसी हरकत करके आपके सरकार को, आपको बदनाम तो नहीं कर रहे, या फिर आप इनको छूट तो नहीं दिए हुए? दोनों बातें हो सकती है। अब आपको अगर ये मेरी बातें तीखी लग रही है, कड़वी लग रही है, तो यही सच्चाई है, और सच्चाई और सच हमेशा कड़वा होता है। इस पर जांच होना चाहिए, इस पर वन विभाग का टीम बैठना चाहिए, सीनियर पदाधिकारियों को इस पर खोज करना चाहिए कि कौन ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, किसका आदेश था, क्यों ऐसा किया गया, या फिर ये पदाधिकारी जो आपके हैं, जो इस क्षेत्र में ऐसा आज किए हैं, वो किसी और के अंडर कंट्रोल में, रिमोट कोई और कंट्रोल कर रहा है, या फिर पदाधिकारी आपे से बाहर है, यानी खुद का सेंस लगाना भूल गए हैं, खुद को नियम अनुसार चलना और चलाना भूल गए हैं, और सिस्टम को नहीं जानते हैं। शायद ये सारी बातें, ये सारा सवाल खड़ा होता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अगर ये आरोप लगता है तो भी इस पर जांच होना चाहिए, क्योंकि ये जांच का सच में विषय है। देखिए किस तरह से तहस नहस किया गया, ये स्थिति देखिए आप, ये जो जहां काम होता था उस स्थल का मामला है, ये देखिए किस तरह से जेसीबी से तहस नहस कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया मामला, जो कि इनके कथन अनुसार, और ये सामान यहाँ पर दिख भी रहा है, पन्निक है जो त्रिपाल टाइप का होता है, उससे ढके हुए थे जब बंद था, तो कहते हैं उसके बावजूद इस तरह का हरकत, इस तरह की तबाही मचा दी गई है, फर्नीचर के मामले को भी बोल रहे थे, तो ये सारी चीजें, हालांकि वो बोलता हुआ वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं उस टॉपिक पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको सच्चाई दिखाने का प्रयास करूंगा, और इस पर इनके लिए, ऐसे लोगों के लिए आज इनके साथ हुआ है, तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, इसीलिए टीम पक्की खबर ग्राउंड जीरो से ये सच्चाई दिखाई है, और चाहती है कि ऐसे पदाधिकारियों पर, ऐसे इनलीगल तरीके से चलने वाले कर्मचारियों पर अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए, जांच का विषय बनता है। लेता हूं आप सबसे विदा, मैं कैमरा पर्सन गुलाम मुर्तुजा के साथ, मैं चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, जय हिंद दोस्तों।